ब्यूटीफुल। हाँ, ये नेकलेस बहुत खूबसूरत है। मैं नेकलेस की बात नहीं कर रहा था, मैं तो कुछ और बोल रहा था। क्या कह दूं? Red rose. Isn't this beautiful? This is for you. Simran, tum is rose, music, candlelight se kahin zyada khoobsurat ho. I'll be back in a while. Sorry. I'm really sorry. No, no. Actually, I'm sorry. शायद गलती मेरी ही थी. आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, नहीं. शायद आपका कुछ गिर गया? हाँ, मेरा फोटोग्राफ. थैंक्स। एक्चुअली ये फोटोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज एक हो जाती तो मैं अपनी मंजिल तक शायद कभी ना पहुंच पाती। भगवान आपको जल्दी आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। थैंक्स फॉर योर विशेस। ये विशेस ही तो है जो हम कभी भी एक दूसरे को दे सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय। कोई बात नहीं, अभी खुल जाएगा।
हाय भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अर्पिता। क्या बात है भाभी, आप परेशान लग रही हैं। अर्पिता, ये संध्या चाची न जाने क्यों अजीब अजीब से खेल खेलने लगी है, जिसकी वजह से रूहान बहुत परेशान हो रहे हैं। डोंट वरी भाभी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा अर्पिता, ठीक करना पड़ेगा। लेकिन भाभी, हम कर भी क्या सकते हैं? अर्पिता, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। देखो, ध्यान रहे लिस्ट में से कोई भी चीज रहना चाहे, और जल्दी से इन सब चीजों को तैयार करके इनके जगह पर रख दो। अरे सुनो, अरे यहाँ देखो, पूजा की थाली जल्दी से यहाँ पे ला के रखो, वक्त हो रहा है। अच्छा, जल्दी। अरे अर्पिता, ये सब क्या हो रहा है घर में? आज कोई फंक्शन है क्या भाई? हमें भी तो पता चले। वो घर में एक पूजा रखवाई है, हम सब उसी की तैयारी में जुटे हैं। चाची, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आती हूँ। ओह, नॉट अगेन। अब ये किस बात की पूजा है? इस घर में भी ना कोई ड्रामा चलता रहता है। जाकर देखो तो कि अब क्या कर रहे हैं। अरे क्या हुआ नरेश, ये पूजा अब तक शुरू क्यों नहीं हुई? पता नहीं माँ, मुझे भी अभी पता चला कि अपने घर में पूजा है भाई साहब। लेकिन ये सब अचानक कैसे? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। और पूजा करने के लिए कोई बहाना थोड़ी ना होता है। वैसे भी पूजा करने से घर की सुख शांति बनी रहती है, इसलिए हमने मिलकर जल्दी से सारी तैयारियां कर ली। अब कौन यहाँ इतनी देर तक बैठा रहेगा ऐसे? आइए पंडित जी। लो, आ गए पुजारी जी। ग्रहों के चक्कर में इस कदर उलझा दीजिए कि उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए। मैं सब समझ गया, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। चलिए पंडित जी, पूजा की शुरुआत करते हैं, वरना शुभ घड़ी निकल जाएगी। बेटा सिमरन, तुमने पूजा करने की इजाजत तो ले ली, लेकिन अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि पूजा रखवाई क्यों है। हम सबको पता चले तो पूजा के दौरान हम भी प्रार्थना कर सकते हैं ना? चाची जी, आप ही क्यों नहीं बताते कि ये पूजा क्यों रखवाई है?
बता दीजिए सबको कि पंडित जी ने इस घर की सुख शांति के लिए आपसे क्या कहा था। ठीक है, मैं बताती हूँ। चाची जी को इस घर के लोगों की इतनी चिंता है कि इस घर के लोगों की सुख शांति के लिए इन्होंने ये पूजा रखने के लिए कहा था। चाची जी, आप कितनी अच्छी हैं। मैंने सोचा कि घर में पूजा पाठ करवाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, बस इसी वजह से भगवान अपनी कृपा इस परिवार पे इसी तरह बनाए रखे। इसे इस पंडित के बारे में कैसे पता चला? आखिर ये इस पंडित तक पहुंची कैसे? कहीं इसके पीछे इसकी कोई चाल तो नहीं? क्या हुआ चाची जी, कहाँ जा रही है आप? यूं पूजा अधूरी छोड़ने से अपशकुन होता है, आखिर ये सब आपकी वजह से तो हो रहा है। हाँ संध्या, सिमरन ठीक कह रही है, ऐसे पूजा के बीच में उठकर नहीं जाते, थोड़ी देर की तो बात है, थोड़ी देर में पूजा हो जाएगी फिर चली जाना। चाची जी, ये पूजा रूहान और हम सब की भलाई के लिए तो हो रही है ना? आप हम सबका भला चाहती है ना? इसमें आपकी सम्मति और आशीर्वाद का होना बहुत जरूरी है, आखिर आप हम सबका भलाई तो चाहती है ना? भगवान की कृपा से आपकी पूजा संपन्न हुई, अब भगवान की असीम कृपा आप पर बनी रहे, यही मेरा आपका आशीर्वाद है। भगवान आपको घर में सुख संपत्ति दे, आपके व्यापार में उन्नति दे और आप जो भी कार्य करें उसमें आप कामयाब हों। आप सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। बेटा, इस पूजा के बाद तुम्हारी कुंडली से राहु और केतु का दोष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया है। अब तुम अपनी पत्नी के साथ सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकते हो। कल्याण। ये पंडित यहाँ कैसे आया? कौन लाया आखिर उसे यहाँ? अभी हमारा सारा भंडा फूट जाता और हम दोनों इस घर के बाहर फेंकवा दिए जाते। इस बात का एहसास भी होगा कि नहीं तुम्हें पता नहीं, लेकिन छोटी सासू जी, मैं नहीं जानता ये यहाँ कैसे है।
मैंने तो इसे आज से पहले कभी देखा तक नहीं था। मुझे लगता है ये सब कुछ इस सिमरन की ही कोई चाल है। उससे मेरे इस चाल और उस पंडित जी के बारे में कैसे पता? कहीं आपको मुझ पर तो शक नहीं? मुझे तुम पर शक ही नहीं, पूरा यकीन है। क्योंकि ये प्लान के बारे में हम दोनों और उस पंडित के अलावा कोई नहीं जानता था। मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम्हारी बेवकूफी का ही नतीजा है। छोटी सासू जी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।